हेलो फ्रेंड्स, आज जो कौ नतुन एट भिडिओ आज आपल आलोचना करम मॉडर्न आसाम टाइप घर एटार प्लेनिंग आपको देखा घर तो कैनेक ड्रईंग करके स्पेस जो आपन मार ना जाए गोटेखिन स्पेस जो आपको धुनिया को यूज कर पे तो प्लेनिंग एट आपको देखा दीम और घर तो कैनेक कन्स्ट्रक्शन हो तार स्ट्रक्चरल डिजाइन तो कैनेक दिया रड कैने यूज हो डिटेल्स आपन इत पाई जा मैं टप भिउ आपको देखा दीम जो आपको पूरा क्लियर हो जाए रूमबूर के प्लेस करा हुई है। तो बोलो वीडियो आरम्भ करूँ तो वीडियो आरम्भ कर आगत आपको रिक्वेस्ट करूँ जो जो मोर चेनेल नतुनक भिजिट कर प्लीज चेनेल तो सब्सक्राइब कर लो और एने नतुन नतुन धरण वीडियो अपना पाई सब प्रथम आपको घर मेजारमेंट कह दी घर जी लेंथ आप देखे ये आज 52 फिट और ब्रेड तो आसे 28 फिट तार भरते बेडरूम प्लेस करसेन आटोर रूम एट आस गोटे हल दिया आगफाले तो गोटेखी आपल देखा पा यू हल आपनर फ्रंट साइड हम फ्रंट साइड आपल देखा पासे बारांदा एट हम और यू जी देखिसे यू पिछफाल एट लेट्रिन बाथरूम तलब थक ऊपर व्टार टेक थकान ये डायरेक्टलि आर सी सी बनवा तो बोलो आम भर चाहिए भर देखे अपने डिटेल्स तो बुझी पा युटा जी फ्रंट आप जी पोस्ट देखा पाई आसे दूटा आपन पोस्ट देखिसे ये दूटार स्पान आसे दूटार एटार आठ डिस्टेंस आस 8 फिट 8 फिट बै 7 फिट आसे तो ये सर एट बारांदा निचिना एट हम आगफाले इत उठी कि आपन भर समा जा पार इतना आपन ग्रिल लगे दु पे ना ग्लास लगे दिले धुनिया हम आपन लेफ्टर ना रटर जो आप स्टेप तो दिए और धुनिया देखिए यू गोटे तो एट 8 फिट स्पेस रखा बहुत धुनिया करें अलग स्पेसियास बनबे घर तो 8 फिट गोटे तो रखा है तो इतना लेफ्ट साइड आप रूम तो देखिसे ये हल ड्रईंग रूम हिसाब आप यूज कर 16 फिट बै 14 फिट तो 16 फिट बै 14 फिटर भर आप साफिशियंट स्पेस पा यार रूम देखे यू रूम देखिसे आप एटाच्ड लेट्रिन बाथरूम थको तार पास बाहर ऊल्ई कि आप पा यू सब गोटे धुनिया स्पेस रखा है इतना आप डाइनिंग टेबल बहाय यू ड्रईंग रूम हिसाब से यूज करके तो सीधा जी देखिसे यू हल आम कमन लेट्रिन बाथरूम दिया दूटा रूम यूज करीधा यू लेफ्ट साइड थक यू और बेडरूम यूर लेट्रिन बाथरूम पीछे एटाच थको यू आप देखा पासे पिछफाले एटाच थको ऊपर सज्जा दिया बस्तु रखे तो यू रूम साइज तो आस 14 फिट बै 12 फिट तार पास इफाले सोमाय किने इतना आप देख ये जी करिडर रखा है यू गोटेखि इतना मजदूर डाइनिंग बहाय आप धुनिया सोफाओ बहुत डाइनिंग बहुत पड़े आपको इच्छा मत यू यूज करो जी रूम आपन देखिसे यू रूम आस 12 फिट बै 14 फिट तो यू बहुत साफिशियंट स्पेस पा बहुत डांगर रूम यू एट बेडरूम आपन पाले तो इतना उमाय किने यू सौ यू दूटा रूम आस इफाले लेफ्टत एट राइट एट दूटा रूम आस बहुत डांगर डांगर रूम यूटा और इार ऊरते जी और रूम प्लेस करकेचेन हिसाब यूज कर पड़े ना आपन स्टोर रूम हिसाब से यूज कर पड़े आपको जो भाई किचेन तो बाहर बनाम तैयार बाहर बनाब पड़े ना यू स्टोर रूम हिसाब से यूज कर पड़े आपन तो यू एट बेडरूम यू बेडरूम सज आस 18 फिट बै 12 फिट बहुत डांगर रूम यू बहुत साफिशियंटली आपन यूज कर पड़े यू रूम सज आस 18 फिट बै 16 फिट एफल तो आस 18 फिट बै 12 फिट और एट आस 18 फिट बै 16 फिट बहुत डांगर रूम दूटा आपन बहुत धुनिया यूज करो आप गोटे प्लेनिंग देखा पाले इतना ऊपर पर अलग देखा दूँ आपन जो गोटे भ्यू तो बुझी पाए तो इतना देखा पासी आपन दोपा गोटे रूम तो यू जी स्टोर रूम क्या कहूँ यू राइट साइड आस लेफ्ट साइड आस फर्स्ट जी रूम देखे यू ड्रईंग रूम जी आसे और आगफाले कर्नार जी देखिसे यू हल दूटा बेडरूम तो सब फाले एनेक धुनिया प्लेस करा हुई है तो आशा करूँ भिडियो आपको कारण उपकृत हम आपको भल पा तो इतना मैं आपको स्ट्रक्चरल पार्ट तो अलग कह दूँ सब इतना आपन देखा पासे 6 12 mm रड दिया जीख पोर्सन स्लेप दिया तो तक 6 पोस्ट आस स्लेप तो अलग डांगर कर दी जाते पानी टेंगी रख पे धुनिया को दूटा पानी टेंगी आपन तक बहुत पड़े तो इतना जी टाइबीम जी रड दिया टाइबीम रड तो 12 mm दिया चार 12 mm रड दी आप पोस्ट जी दिया नर्मेलि आपन 10 mm रड
দিব পাৰে কোনো অসুবিধা নাই এটা আপোনালোকে চলাই যাব তো ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে কিছুমান ওয়াল আপোনালোকৰ 5 ইঞ্চি আছে কিছুমান আমাৰ 3 ইঞ্চি আছে তো এবোৰ আপোনালোকক কষ্ট কাটিং কৰিবৰ কাৰণে অলপ এনেকৈ কৰা হৈছে ইন্টাৰনেল ওয়ালখিনি আপোনালোকে 3 ইঞ্চি দিব পাৰে আৰু ভিতৰত বাহিৰত যিব ওয়াল থাকিব এবোৰ আপোনালোকে 5 ইঞ্চি ওয়াল দিব অলপ সেফটিৰ কাৰণে 5 ইঞ্চি ওয়াল দিব আৰু লুকছটো ভাল ভাল লাগে পোষ্টৰ যিবোৰ এংগেল যিবোৰ ওলাই থাকে এইবোৰ ওলাই নাথাকে বহুত বাহিৰৰ পৰা বহুত ধুনীয়া দেখি তো আৰু গোটেই ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ইটা লগোৱা হৈছে গোটেই আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ বনাব পাৰে প্লাষ্টাৰিংটো মিনিমাম 12 mm আপোনালোকে প্লাষ্টাৰ কৰিব যাতে প্লাষ্টাৰ পিছত ক্ৰেক নহয় ভালকৈ কিউৰিং কৰিব পানী খুৱাব তো গোটেইখিনি কনষ্ট্ৰাকশ্যন আপোনালোকে ভালকৈ কৰিব বহুত জেগাত দেখোঁ ৱাল গাঁথনিৰ পিছত নাইবা প্লাষ্টাৰিং হোৱাৰ পিছত সেইকাৰণে বহুত জেগাত ৱালবোৰ ক্ৰেক হৈ যায় সেইকাৰণে আপোনালোকে কিউৰিংটো ভালকৈ কৰিব তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে উপকৃত হ'ব আপোনালোকে ভাল পাব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেণ্টছ আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ ছ' মাছ